बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रब्बी शाहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतो मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। टुडे इट इज़ द टर्न ऑफ लेक्चर नंबर 5। Lesson is the dying sun. हम लोगों ने look at the book, हमने start से a few से start लिया, first paragraph, second, third, fourth और फिफ्थ तक हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमने ये जो नेक्स्ट वाले लास्ट टू पैराग्राफ्स हैं ये पढ़ने हैं, उसके बाद हम लोग इसका ग्रामर वर्क करेंगे। इससे पहले की जो रिकैपिटुलेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये जो लेक्चर है ये स्पेकुलेशंस पे है। ये सारा क्या है? स्पेकुलेशंस पे है। सर जेम्स चीन्स वे स्पेकुलेशंस करता है। वो ये कहता है कि ये जो कायनात है, ये जो स्पेस है, स्पेस पे इतने ज़्यादा सितारे हैं कि जितने के इस दुनिया के जितने भी साहिल हैं उन पर जो रेत के ज़र्रात हैं उन साहिल में, उस साहिल पर जितने भी रेत के ज़रात हैं उतने जो हैं सितारे हैं जो कि ब्लाइंडली मूव कर रहे हैं स्पेस में। और इन सितारों यानी कि दे आर वॉन्डरिंग ब्लाइंडली इन स्पेस, इनमें से जो सितारे हैं, आप ये करें, आप ये समझें कि ये स्पेस है, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर ब्लाइंडली मूव कर रहे हैं, ये इन्यूमरेबल है। और इनमें क्या है, मिलियन माइल्स का एक सितारे और दूसरे सितारे के दरमियान मिलियंस माइल्स का फ़र्क है, फासला है, मिलियंस माइल्स का ये फासला है। ये एक दूसरे के दरमियान नहीं, एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते, लेकिन वो ये अंदाज़ा लगाता है, स्पेकुलेशन करता है। मफरूज़ा उसका ये है कि हुआ क्या कि एक बार ये जो अनगिनत जो सितारे हैं दोज आर वांडरिंग ब्लाइंडली इन स्पेस, इनमें से एक सितारा जो है वो ब्लाइंडली क्या है चलता हुआ, सूरज, क्योंकि सूरज भी एक सितारा है, ये सन, इसके करीब आया। जब वो इस सन के करीब आया, ये सितारा ब्लाइंडली ये इसके करीब आया, तो क्या है, इसकी फोर्स और इसकी फोर्स जब आपस में टकराई तो इनके रिजल्ट में क्या हुआ, इनके रिजल्ट में माउंटेन बन गई। क्या बन गई? पहाड़ी बन गई। जब ये पहाड़ी जो है ये जब इनकी फोर्सेस आपस में रिपल्शन हुई फोर्सेस की, तो ये पहाड़ी जो है इट ब्रोक इनटू पीसीज। तो ये पीसीज जो हैं ये इसके क्या है इर्द गिर्द ये पीसीज फैलना शुरू हो गए। तो जाहिर है सितारे तमाम बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, आग के गोले कहलाते हैं। तो ये जो पीसीज से दिस पीसीज स्टार्टेड रिवॉल्विंग राउंड द सन, क्या है ये उस वक्त से सन के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। इनमें से जो करीब है वो बहुत ज़्यादा गर्म है और जो इनसे सूरज से दूर हैं वो बहुत ज़्यादा सर्द हैं। अब ज़िंदगी के इन्हसार एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए हमें जो टेम्परेचर चाहिए वो मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। मॉडरेट टेम्परेचर का मतलब है कि वेयर हमें वो सैारा यानी कि ये जो दी स्पीसीज
वे स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड द सन आर कॉल्ड प्लैनेट्स, इन्हें हम कहते हैं कि ये सैयारे हैं। ये भी गर्म थे स्टार्ट में, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इन्होंने अपनी एनर्जी जो है, क्योंकि सन जो है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये अपनी एनर्जी, डाइंग सन का मतलब यही है, ये अपनी एनर्जी जो है लूज करता रहा। तो ये प्लैनेट्स जो है, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है, इसकी जो हीट है वो इन पर पड़ती है, इसकी वजह से ये गर्म होते हैं। जो इसके करीब है बहुत ज़्यादा गर्म है, जो इससे दूर है बहुत ज़्यादा सर्द है। करीब में ज़िंदगी का इनसार नहीं हो सकता कि इंसान झुलस के रह जाए, बहुत दूर वाले में भी नहीं, वहाँ पे इंसान फ्रीज हो सकता है। इसलिए ज़िंदगी गुजारने के लिए एक ऐसे सैारे की ज़रूरत थी वेयर टेम्परेचर इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। तो वो जो हमारी जो ज़मीन जो थी, ये सैारा जो था, हमारी जो अर्थ थी, इसमें कुछ बेल्ट्स ऐसी थी जहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर मिला, मॉडरेट टेम्परेचर मिला, और यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ हुआ। लाइफ स्टार्टेड इन द सिंपल ऑर्गेनिज्म, पहले सिंपल ऑर्गेनिज्म की सूरत में लाइफ स्टार्ट हुई, फिर क्या है ये किस्म तब्दील होगी कम्प्लेक्स में, पेचीदा में, फिर ये क्या है पेचीदा हो गई, फिर इंसान पैदा हो गए, क्या है टू दे वर बॉर्न ह्यूमन बींग्स हुए, और फिर इनके अपने आइडियाज थे, ठीक है, इनकी फीलिंग्स थी, इनके अकायद बन गए, क्रीड बन गए, अकायद बन गए, फिर रिलीजन बन गए। इस तरह जिंदगी जो है वो क्या है, सिंपल से कम्प्लेक्स बनती गई, सिंपल से कम्प्लेक्स बनती गई। तो हम लोग अब ये जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे द स्टार्स। ज़ाहिर है स्टार्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा गर्म है, आग के गोले हैं। अब देखें द स्टार्स देमसेल्व्स आर फॉर टू हॉट फॉर दिस, क्या है अब ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या है स्टार क्या है टू हॉट है। ये जो टू है ना ये नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, है ना, टू क्लेवर। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, ही इज टू क्लेवर टू बी ट्रस्टेड, है ना, वो हद से ज्यादा चालाक है, वो इतना चालाक है कि उस पर एतमाद नहीं किया जा सकता, वो हद से ज्यादा चालाक है। टू हॉट बहुत ज्यादा गर्म, तो वो कहता है कि लाइफ कैन एग्जिस्ट, द स्टार्स देमसेल्व्स आर फॉर टू हॉट फॉर दिस, वी मे थिंक ऑफ देम एज अ कलेक्शन ऑफ फायर्स, क्या है हम कह सकते हैं कि ये आग के गोले हैं स्केटर्ड, जो कि बिखरे हुए हैं थ्रू स्पेस, खला में बिखरे हुए हैं। अब देखें यहाँ पर फायर्स का है, फायर वैसे तो फायर की जमा नहीं होती, लेकिन जब हम इसे डिफरेंट मीन्स के, जैसे हम अगर कहते हैं एक फायर यहाँ पे लगी हुई है, एक फायर यहाँ पर है, जैसे वो हमने पार्ट फर्स्ट में द माइल्ड अटैक ऑफ लॉकस्ट में पढ़ा था, मिलियंस ऑफ फायर्स, ठीक है ना, तो क्या है ये फायर है, तो ये फायर है, तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्हें हम क्या है फायर्स कह सकते हैं। फूड है, फूड की जमा फूड्स भी, यानी कि जब डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड होगी तो हम उसे कहेंगे, ठीक है ना। तो फायर्स क्या है, ये आग के गोले, वो क्या कह रहा है कि स्कैटर्ड, स्कैटर्ड थ्रू स्पेस, खला में पर प्रोवाइडिंग वार्मथ, और क्या है ये हरारत मुहैया कर रहे हैं, हीट मुहैया कर रहे हैं इन सराउंडिंग्स, इर्द गिर्द के चीजों को, वेयर द टेम्परेचर इज एट मोस्ट सम 4 डिग्री अबव एब्सोल्यूट जीरो, इतना ज्यादा टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट जीरो क्या है, जहां पर
इन स्टार्स की हरारत नहीं पहुंचती, उसके बाद क्या है, एब्सोल्यूट जीरो है। दैट इज अबाउट 484 डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट का मतलब क्या है, बर्फ का जम जाना, मुंजमित हो जाना, चिल, फ्रीज, कोल्ड। ऑन द फॉरेनहाइट स्केल इन द इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे। मिल्की वे का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स को मिल्की वे कहते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज मिल्की वे। मिल्की वे क्या है, मिल्की वे इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि मिल्की वे इट इज कोल्ड स्टिल, क्या है उसके तो अभी भी ठंड है। अवे फ्रॉम द फायर्स, आग के ये जो गोले हैं, ये जो स्टार्स हैं, इनसे दूर हटकर देर इज दिस अनइमेजिनेबल ऑफ कोल्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट। जाहिर है जो इलाके, जो बेल्ट्स सूरज से दूर हैं, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड है। क्लोज अप टू देम देयर इज अ टेम्परेचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्री, और उसी के साथ क्या है, बहुत ज़्यादा हीट है। एट विच ऑल सॉलिड्स मेल्ट, वो क्या है, जिसमें क्या है, तमाम सॉलिड चीज़ें जो हैं वो पिघल के रह जाएं, और लिक्विड्स बॉयल, और तमाम लिक्विड्स जो हैं वो क्या है, बॉयल हो जाएं, उबल पड़े। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सूरज के जो करीब प्लैनेट्स थे वो सूरज की हरारत की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म थे। दे वर टू हॉट टू स्पेंड लाइफ ऑन देम, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम पिघल सकते हैं। और जो उससे दूर थे, उस सन से दूर के जो सैारे थे, वो इतने ज़्यादा ठंड थे कि वहाँ पर क्या है, हम फ्रीज होकर रह जाएं, मुंजमिद होकर रह जाएं। अब जिंदगी के लिए क्या ज़रूरी था, ये देखें, वो कह रहा है कि लाइफ कैन एग्जिस्ट, लाइफ सिर्फ मौर वजूद में आ सकती है। इन अ नैरो बेल्ट, तंग सी क्या है, बेल्ट पर, हिस्से पर, सराउंडिंग्स ईच ऑफ दीज फायर्स, ये जो आग के गोले हैं इसके इर्द गिर्द जो है, एट अ सर्टन डिस्टेंस, एक खास फासले पर, वेयर द टेम्परेचर, जहां पर टेम्परेचर क्या है, इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। सिंपली वी कैन से कि लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो बेल्ट वेयर टेम्परेचर इज मॉडरेट, जहां पर टेम्परेचर मॉडरेट है। आउटसाइड दीज, अगर हम इन बेल्ट से बाहर निकलते हैं, लाइफ वुड बी फ्रोजन। मैंने आपको भी बताया है कि स्टार से दूर जो भी इलाका होगा, जो बेल्ट्स होगी, वहां पर बहुत ठंड होगी, इंसान जम के रह जाए। विद इन विच लाइफ इज इम्पॉसिबल, लाइफ इज पॉसिबल। ऑल एडिड टूगेदर, अगर हम इन बेल्ट्स को, जहां पर जिंदगी का इन्हसार हो सकता है, इन्हें ऐड भी कर लें, जमा करें, मेक अप लेस देन अ थाउजेंड मिलियन मिलियन पार्ट ऑफ द होल ऑफ स्पेस, जो खलाका खरबवां, खरब नहीं होते, अरब खरब, थाउजेंड मिलियन मिलियन खरबवां जो है वो हिस्सा बनता है किसका, खलाका, यानी कि इतनी कम है, इट लिटलनेस ऑफ अवर अर्थ, वो बताना चाह रहा है। एनी वन इंसान, और फिर भी इसके अंदर भी जो कि थाउजेंड मिलियन मिलियन पार्ट है स्पेस का, इसमें भी लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर, बहुत नायाब है जिंदगी, बहुत कम है। फॉर इट इज एक्सट्रीमली अनयूजल फॉर सन्स टू थ्रो ऑफ प्लैनेट्स एज आवर सन हैज डन, क्योंकि जो स्टार्स हैं, यहाँ पे सन्स इसलिए इस्तेमाल किया गया है, ये स्टार्स जो हैं, जो ऊपर जो सन्स हैं, जो कि अपनी हरारत हीट प्लैनेट्स पे डाल रहे हैं, एज आवर सन हैज डन, यानी कि जो हमारा सितारा है, जो हमारा सूरज है, जो किसी एक सितारा है, जितनी हरारत वो फेंक रहा है ना, उसकी निस्बत से दूसरे जो हैं सितारे हैं, वो अपनी जो जो लाइट हैं वो बहुत ज़्यादा फेंक रहे हैं। प्रोबेबली शायद ओनली वन स्टार इन, यानी कि एक लाख में से शायद गालबन एक सितारा हैज़ अ प्लैनेट, वो सैारे को गोइंग राउंड, उसके गिर्द, यानी कि एक ऐसा प्लैनेट, एक ऐसा सैारा गर्दिश कर रहा है एट द राइट डिस्टेंस, यानी कि खास उस फासले पर जहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट है,
फॉर लाइफ टू बी पॉसिबल ऑन पिट, और वहां पर क्या है, जिंदगी का इन्हिसार है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हम लोग ये लेक्चर नंबर 5 को क्या करते हैं, इसे वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 6। अल्लाह हाफिज।